देखिए एक हमारा थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये हमारा क्लास सिक्स है, चैप्टर फाइव, जो हमारा रिंग थ्योरी का चैप्टर फाइव है उसका क्लास सिक्स। ओके, तो थ्योरम क्या है कि इफ एफ इज होमोमोर्फिज्म, एफ अगर होमोमोर्फिज्म है ऑफ अ रिंग आर इन टू अ रिंग आर डैश पे, ठीक है, रिंग आर से आर डैश पे है विथ कर्नल एस के साथ, मीन्स कर्नल भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है विथ कर्नल एस। ओके, देन एस इज एन आइडियल ऑफ आर, तो हमें दिखाना होगा कि जो कर्नल हमारा जो इसमें बन रहा है, एस जो हमारा कर्नल हो रहा है वो क्या आइडियल ऑफ आर है, मींस रिंग का वो हमारा आइडियल है। अब पता होना चाहिए कि कर्नल क्या होता है, फिर आइडियल हम आइडियल एक्चुअली में प्रूफ करना है, तो आइडियल भी पता होना चाहिए ना कि आइडियल क्या होता है, तब ना हम जाके प्रूफ करेंगे कि हमारा एस जो होगा वो आइडियल होगा। तो देखिए यहाँ पे हम डिटेल में बताते हैं, एफ हमारा होमोमोर्फिज्म है ऑफ ए रिंग आर इन टू अ रिंग आर डैश पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग से देखिए आर और आर डैश। ओके, और यहाँ से हमारा फंक्शन एफ, 1 2 3 4 एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरीके से एलिमेंट एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इस तरीके से एलिमेंट्स रहेंगे। तो हमारा होमोमोर्फिज्म होता है एफ होमोमोर्फिज्म ऑफ अ रिंग आर इन टू अ रिंग आर डैश पे। ओके, विथ अ कर्नल एस, तो कर्नल एस क्या होता है, तो कर्नल एस होता है, देखिए कर्नल एस जो हुआ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एस और मीन्स इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, या ए बी सी डी भी एलिमेंट्स हो सकता है, तो उस तरीके से जो एलिमेंट्स होंगे तो मान लेते हैं एक्स किसका एलिमेंट है आर का, अगर हम उसमें फंक्शन करते हैं, देखिए होमोमॉर्फिज्म करेंगे ना तो एफ ऑफ एक्स करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जीरो डैश हो जाएगा, तो ये कहलाता है क्या कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ओके, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एस जो हुआ, देन अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इतना सेटिस्फाई कर रहा है, अब हमें दिखाना है क्या कि एस जो हमारा होगा वो देन आइडियल ऑफ आर होगा। अब आइडियल पता होना चाहिए ना, आइडियल क्या होता है, तो आइडियल में क्या होता है दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, आइडियल में दो प्रॉपर्टी क्या कि एस जो हमारा होता है एसी को हम आइडियल बोलते हैं, ठीक है, एस आइडियल हमारा होता है, लेकिन किस तरीके से दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, एस इज अ सब ग्रुप, सब ग्रुप अंडर किसके अंडर, एडिशन के अंदर होना चाहिए, एस इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टी आई ओ एन होता है, एडिशन हो गया। देन सेकेंड वन, फर्स्ट हमारा ये प्रूफ करेंगे, सेकेंड में हम क्या प्रूफ करेंगे, सेकेंड इसका दो प्रॉपर्टी दिखाएंगे तभी तो जाके हम बोलेंगे कि आइडियल है हमारा एस। तो ये हमारा होता है कि जैसे कि आर का एलिमेंट कोई लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, और एस का एलिमेंट लेंगे स्मॉल एस लेंगे, याद आ रहा कुछ, ये बिलोंग क्या करते हैं एस में, फॉर ऑल आर जो एलिमेंट है किसका आर का है, और ये स्मॉल एस जो एलिमेंट है वो हमारा एस का है, तो ये हमारा क्या हुआ लेफ्ट आइडियल हुआ, हमें राइट आइडियल भी दिखाना होगा, तो राइट आइडियल के लिए एस और फिर आर हो जाता है, दिस इज फॉर ऑल आर बिलोंग कहाँ करता है आर का, और एस बिलोंग करता है कहाँ एस का करता है, ओके कैपिटल एस का, तो ये हमारा कहलाता है क्या, ये दोनों प्रॉपर्टी जैसे ही सेटिस्फाई होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा आइडियल है। अब सब ग्रुप, अब एस को सब ग्रुप दिखाना होगा, सब ग्रुप दिखाने के लिए भी पता है ना कि सब ग्रुप कैसे दिखाया जाता है, तो सब ग्रुप दिखाया जाता है किस तरीके से, देखिए एस हमारा अगर सब ग्रुप होगा ना, एस इज अ सब ग्रुप, इसीलिए सब रिलेटेड एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे ही आप चैप्टर 1 2 3 पढ़ते जाएंगे रिवीजन करते जाएंगे ना समझ में आते जाएगा, आप खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो एस इज ए सब ग्रुप, तो एस सब ग्रुप दिखाने के लिए एस का दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, जो कि बिलोंग करेगा एस में, ओके तो एस ए बी बिलोंग करेगा एस में। सबसे पहले मैं दिखाना हूँ कि एस जो है वो नन एम्प्टी, मीन्स क्या कि एस जो है वो इक्वल टू 5 नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है इसमें, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मीन्स ए बी एलिमेंट ले लेंगे, मीन्स आर भी जो है वो हमारा 5 नहीं देगा, तभी तो आर का ही एलिमेंट हमारा एस रहेगा, ठीक है। तो दिखाना होगा पहले कि एस जो है वो हमारा 5 नहीं है, तो 5 नहीं है मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो दो एलिमेंट यहाँ से लेंगे, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि ए और मल्टीप्लाई करेंगे ना बी के साथ, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा एस में बिलोंग करेगा, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो ए बी दो एलिमेंट लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई भी हमारा क्या होता है एस में ही बिलोंग करेगा, अब करके देख लीजिए, अगर 1 और 2 हुआ तो 1 मल्टीप्लाई विथ 2 3, तो 3 भी यहाँ का एलिमेंट होगा, फिर 4 5 कुछ भी होगा तो यहाँ का ही एलिमेंट होगा ये हमारा, ठीक है, एस का ही। एंड देन सेकेंड वन, सेकेंड वन जो हमारा होता है सब ग्रुप में कैसे दिखाते हैं, तो ए माइनस बी जो होता है वो भी कहाँ बिलोंग करता है एस में बिलोंग करता है, दो प्रॉपर्टी दिखाते थे ना सब ग्रुप के लिए, अगर आप रिंग थ्योरी का देखेंगे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिंग का, तो उसमें दिखाया था ना सब ग्रुप दिखाना था, ठीक है,
तो उसमें देखिए ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एस का होना चाहिए, ए माइनस बी जो होता है वो हमारा एस का होता है, एक थ्योरम होता है ये, ठीक है। ये थ्योरम में प्रूव भी करवाए हम, तो ये दोनों दिखाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा कि सब ग्रुप है, एंड देन सेकेंड वन हमें दिखाना होगा ये टर्म्स, ओके, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दिखाना होगा। तो ये हम दिखा देंगे, तो एस जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल ऑफ आर हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या करना है? सबसे पहले तो ये जो गिवन है वो लिखेंगे, फिर एस को दिखाएंगे कि नन एम्प्टी है, देन एस को दिखाएंगे सब ग्रुप है, देन फिर उसके बाद क्या कि एस जो हमारा होता है लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल होता है, तो फाइनली जो हो जाएगा एस होगा वो हमारा आइडियल हो जाएगा आर का, ओके। समझ में आया? सारे प्रॉपर्टी भी तो पता होना चाहिए, तब ना आप इजिली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पता चल गया ना क्या क्या करना है, चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, ये चैप्टर जो है ना बहुत इजी है, आप एक बार समझ जाएंगे ना तो बहुत इजी लगेगा, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर यही है, क्योंकि पेपर एट भी है तो पेपर एट में क्या कैलकुलेशन है, तो उसमें थ्योरम भी है, तो पेपर एट भी इजी है, बट ना उससे ज्यादा इजी हमको पेपर टेन ही लगा था, क्योंकि पेपर टेन में बहुत जल्दी भी एग्जाम मतलब एक डेढ़ घंटा में लिख लिए थे सारा। देखिए इसका प्रूफ, प्रूफ ठीक है, क्या करेंगे, लेट एफ इज अ क्या है हमारा होमोमॉर्फिज्म, ऑफ अ रिंग आर इनटू रिंग आर डैश पे, ठीक है, ये हमारा गिवन दिया हुआ है। देन लेट मान लेते हैं क्या कि ओ और ओ डैश, तो दो हमारा क्या हो गया, जीरो एलिमेंट हो जाएंगे ना, किसके, आर और आर डैश के एलिमेंट, जीरो जो होता है वो आर आर का हमारा एलिमेंट होता है, और जीरो डैश जो होता है वो आर डैश का एलिमेंट होता है, तो जीरो और जीरो डैश बी द जीरो एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ किसका, जीरो एलिमेंट ऑफ आर एंड आर डैश रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली क्यों लिखता है, क्योंकि जीरो जो होता है वो आर का होगा, जीरो डैश जो होगा वो आर डैश का होगा, अगर कुछ और थर्ड होता है तो हमारा तीसरा का होता है, ठीक है, तो एक का करके होता है इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखा जाता है, ओके। देन लेट क्या हमारा एस बी द कर्नल, कर्नल ऑफ एफ, एस जो हमारा है वो क्या है, कर्नल ऑफ एस है, तो क्या हो जाएगा, देन एस इक्वल टू क्या है, एक्स कोई एलिमेंट हो गया ना आर का एलिमेंट, और एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो डैश, ये हमारा होता है, ठीक। अब नाउ देखिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन है वो इरेज करते हैं, थ्योरम एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं, थ्योरम हाँ वही हुआ, हम लोग के लिए तो ये क्वेश्चन ही होता है ना। Then, since, तो एफ ऑफ जीरो अगर होता है तो एक्चुअली में क्या है कि एफ ऑफ कुछ भी यहाँ पे डालेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डैश हो जाएगा, तो हम एफ ऑफ जीरो मान लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जीरो डैश हो जाएगा, ठीक। मीन्स क्या है कि जीरो मीन्स होता है जीरो, कोई भी एलिमेंट मीन्स जीरो, कोई एलिमेंट ना हो, ठीक, तो यहाँ दिखा रहा है क्या कि जीरो डैश, एफ ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो डैश, मीन्स क्या हो गया कि ये जो एक्चुअली में दिखा रहा है क्या कि कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी नहीं है, एटलीस्ट जीरो है, ठीक है। जैसे अगर फाई फाई अगर ये कंसिडर हो जाता है, जैसे एफ ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू फाई हो जाता है, तो बोलते कि ये हमारा एम्प्टी सेट है, लेकिन यहाँ पे क्या कि ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, एटलीस्ट जीरो ही तो एलिमेंट है, तो एक्चुअली में हम ए और बी कुछ दूसरा एलिमेंट भी मान सकते हैं, ठीक। नॉन एम्प्टी दिखा देंगे, नॉन एम्प्टी मीन्स क्या होगा कि जीरो नहीं है, मीन्स जीरो नहीं है, एक्चुअली में जीरो का जो होता है ना यहाँ पे रोल क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीरो मीन्स होता है एम्प्टी, मीन्स कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फाइव मीन्स होता है कुछ नहीं, और जीरो मीन्स कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, जीरो अगर एलिमेंट है तो वो भी तो एक हमारा एलिमेंट ही है, ठीक है, यहाँ पे जीरो डैश, तो ये भी हमारा कोई एलिमेंट ही होता है, ठीक है, आर और आर डैश कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक, तो कौन सा एलिमेंट है, तो हमारा जीरो एलिमेंट है, और भी एलिमेंट दे सकता है, मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है मीन्स और भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, ओके, ये हमें प्रूफ करना था एक्चुअली में। तो देखिए, तो एफ ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो डैश, एफ ऑफ अगर ए करते हैं तो भी हमारा इक्वल टू जीरो डैश हो जाएगा, एफ ऑफ बी भी करेंगे तो भी जीरो डैश हो जाएगा, मीन्स इसके थ्रू जो कर्नल एस है ना, एस बी द कर्नल ऑफ एफ,
तो इसके थ्रू हमारा ये यहाँ पे हो जा रहा है, तो एफ ऑफ जीरो कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है हमारा जीरो डैश हो जा रहा है, ठीक। देन लिखेंगे देयरफॉर एटलीस्ट क्या है, जीरो बिलोंग कर रहा है किसमें, एस में बिलोंग कर रहा है, एटलीस्ट जीरो तो एक्चुअली में बिलोंग कर ही रहा है ना एस में, तो दस एस इज नॉट एम्प्टी, एस हमारा एम्प्टी नहीं है, ठीक है। देन तो मानेंगे क्या कि लेट ए और बी एलिमेंट कोई किसका है, एस का एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी एस का एलिमेंट है, देन तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हमें दिखाने के एस जो है वो हमारा सब ग्रुप है, आइडियल दिखाने के लिए सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा ना, तो दो एलिमेंट हम ले चुके हैं, तो दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, एस में ही, और फिर माइनस अगर करेंगे दो एलिमेंट का तो भी कहाँ होगा वो हमारा एस में ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देन लिखिए, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, जैसे कि हमारा कर्नल के थ्रू, तो ए भी जो हमारा एलिमेंट है वो एस का है, तो कर्नल हम अगर यूज करते हैं तो एफ ऑफ ए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो डैश, एंड एफ ऑफ बी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो डैश हो जाएगा। अब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा तो ए और बी का जैसे प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ ए बी अगर हम करते हैं होगा ना एफ ऑफ ए बी, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मीन जीरो डैश मल्टीप्लाई विद जीरो डैश दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो डैश ही हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो डैश ही हो जाएगा, ठीक। जैसे कि इसको अगर हम देखिए ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इस तरीके से होगा ना, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, फिर जीरो डैश मल्टीप्लाई विद किसके साथ जीरो डैश दिस इज इक्वल टू जीरो डैश, यही होगा ना, देखिए ये हो गया, तो फर्स्ट हमारा हो गया सब ग्रुप के लिए। देन सेकेंड वन क्या, अगेन एफ ऑफ क्या ए माइनस बी दिखाना हमें ना, तो ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ ए होगा ना यहाँ पे, एफ ऑफ ए बोलिए यहाँ पे और माइनस एफ ऑफ बी बोलिए, ठीक, या फिर क्या कीजिए एफ और ए प्लस माइनस बी कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, प्लस यहाँ पे कर दिए बीच में और फिर माइनस इसके साथ जो हमारा बी के साथ है ना माइनस यहाँ पे, तो बी के साथ हमारा माइनस हो गया, दिस इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए हमारा हो गया प्लस देखिए एफ ऑफ यहाँ पे माइनस बी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो डैश है, और ये माइनस जो होता है तो माइनस बाहर ही आता है, एक्चुअली में यहाँ पे भी सिंपल कर सकते थे, इसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है, एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे देखिए प्लस नहीं डायरेक्ट माइनस कीजिए, ठीक है, ये हमारा माइनस बाहर आएगा, तो एफ ऑफ बी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है हमारे क्या है जीरो डैश माइनस ये एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है जीरो डैश दिस इज इक्वल टू जीरो डैश माइनस उसमें जीरो डैश करेंगे दिस इज इक्वल टू जीरो डैश, ठीक। तो एक्चुअली में क्या कि कर्नल जैसा ही मैं दिखाना था कि जीरो डैश हमारा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो डैश हमारा वैल्यू आ रहा है, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ ए बी जो होगा वो भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ ए माइनस बी भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, ओके कर्नल जैसा ना, कर्नल का क्या था एस दिस इज इक्वल टू एक्स को एलिमेंट रहेगा आर का, और एफ ऑफ अगर हम एक्स करते हैं मीन्स ए हम लिख दिए एफ ऑफ एक्स करते हैं दिस इज इक्वल टू जीरो डैश होना चाहिए, तो हमारा जीरो डैश तो हमारा हो गया, जितने भी एफ ऑफ देखिए एफ ऑफ ए बी कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए बी एक्स की जगह पे हम ए बी लिए तो हमारा वैल्यू जीरो डैश होना चाहिए, जो कि हमारा जीरो डैश आ चुका है, फिर एफ ऑफ ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए माइनस बी कर रहे हैं यहाँ पे, तो जीरो डैश हमारा आना चाहिए, जो कि हमारा जीरो डैश आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, जो हमारा एस जो हमारा कर्नल है, कर्नल ही क्या हो गया हमारा एक एस सब ग्रुप हो गया, हो गया ना इस प्रॉपर्टी के थ्रू, दो प्रॉपर्टी जैसे दिखाया है तो हमारा सब ग्रुप हो गया, ओके। अब हमें क्या दिखाना होगा, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, तो उसके लिए हमें मानना होगा, ठीक है, कोई एलिमेंट मानेंगे रिंग आर का, कोई अदर एलिमेंट मानेंगे, ठीक, ये सब भी तो रिंग आर का एलिमेंट है ना, एस जो होता है वो सेट ऑफ किसका होता है, एलिमेंट ऑफ रिंग आर का ही होता है, ठीक है, जितने भी रिंग आर में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसी का सेट होता है हमारा एस, ठीक। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसके थ्रू दिखाना रहता है, इसी टाइप का आपको दिखाना होगा, तो इसी तरीके से दिख जा रहा है, देखिए जीरो डैश दोनों में सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो ये हमारा एस सब ग्रुप हो गया, सब ग्रुप दिखाना रहता है। देन लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दिखाने के लिए क्या करना होगा, तो आर को एलिमेंट रहेगा आर का, ओके स्मॉल आर लेंगे एलिमेंट जो कि हमारा आर का एलिमेंट रहेगा, देखिए ऑल्सो इफ आर जो है
small r be any element, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, be any element of r, ठीक है, then देखिए क्या होगा, f of क्या करेंगे, a, a जो हमारा एलिमेंट था ना, a और b दो एलिमेंट था ना s का, तो s का एक एलिमेंट ले लेते हैं a, और हम r का एलिमेंट एक ले लेते हैं, तो f of a r, ठीक, इसको भी किस तरीके से दिखाना होगा, इसको भी जीरो डैश ही हमें दिखाना होगा, जीरो डैश ही प्रूफ करना होगा, ओके, तो f of a r जो हो रहा है, दिस इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, f of a और f of r लिख सकते हैं, तो f of a जो है हमारा वो क्या है, f of a का वैल्यू था ना हमारे पास जीरो डैश था ना, दिस इज इक्वल टू जीरो डैश और मल्टीप्लाई विद क्या, f of r, अब देखिए जीरो डैश मीन्स क्या हुआ, कि ये हमारा रिंग r था ना, ये हमारा रिंग r डैश था, ओके, यहाँ से फंक्शन जा रहा था, तो यहाँ जीरो का एलिमेंट, यहाँ जो रिंग r का एलिमेंट जीरो हुआ, तो यहाँ जो रिंग r डैश का एलिमेंट वो जीरो डैश होता है, मीन जो वैल्यू होता है दोनों की जगह पे जीरो जीरो ही होता है ना, जीरो मीन्स क्या हुआ कि इसके साथ अगर कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जीरो देगा, तो जीरो डैश के साथ भी कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा जीरो डैश ही देगा, ओके, इसके लिए ये हमारा, ये जो हमारा रिंग आर डैश है, तो आर डैश 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 है ना, इस वजह से हम डैश डैश लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि वो अदर्स रिंग हुआ, ठीक है, और ये हमारा दूसरा रिंग है, तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं, ठीक है, तो ताकि सेपरेट हो जाए दो रिंग हमारा, तो यहाँ पे जीरो डैश मीन्स क्या हुआ कि वो एक्ट किस तरीके से करेगा, जीरो के एक्ट जैसा ही एक्ट करेगा, बस जो हमारा सिंबल रहेगा वो हमारा जीरो डैश रहेगा, मीन्स क्या कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, अगर 1000 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो भी क्या होता है, ये हमारा जीरो डैश ही देगा, तो एफ आर, तो एफ आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो डैश ही देगा, ओके, तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है ना कर्नल वाला, कर्नल वाला जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ x दिस इज इक्वल टू जीरो डैश, तो f ऑफ a r x की जगह पे कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, a r दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो डैश हो गया, और ये जो हमारा है ये हमारा राइट आइडियल दिखा दिए, r जो इधर है राइट साइड, तो हमारा राइट आइडियल होगा, इसी तरह से लेफ्ट आइडियल भी होगा, ओके, तो लेफ्ट आइडियल देखिए, तो लिखेंगे क्या, f ऑफ r a लिख देंगे ना लेफ्ट आइडियल में, दिस इज इक्वल टू, तो f ऑफ r और f ऑफ a, तो अब f of r तो as it is रहेगा, और f of a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, देखिए ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक, लिखेंगे एंड ar जो है एक्चुअली में ar, ठीक, एक इसका एलिमेंट है, s का एलिमेंट होता है, ar जो होता है एक्चुअली में सिंपल अगर हम लिखना चाहें तो ar क्या होता है, s का एलिमेंट होता है, ठीक है, और r a भी जो होता है वो s का एलिमेंट होता है, और फॉर ऑल किसका, r जो होता है वो किसका, r का होता है, और a एलिमेंट जो होगा किसका होगा, s का एलिमेंट होगा, होगा ना इस तरीके से, ठीक, देन इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि दस, फाइनली लिखेंगे नीचे, दस ए बी एलिमेंट किसका है, एस का एलिमेंट है, और आर एलिमेंट किसका था, आर का एलिमेंट था, ठीक है, तो ये इम्प्लाइज कर गया कि ए माइनस बी जो हुआ वो किसका हुआ, एस का हुआ, ठीक है, और ए बी जो हुआ वो भी किसका हुआ, एस का हुआ, देन ए आर जो है वो भी एस का है, और आर ए बी है वो भी हमारा एस का है, तो देयर फोर एस इज एन आइडियल, आइडियल ऑफ आर, ये हमारा होता है प्रूफ, ठीक है, पहले ये हमारा सब ग्रुप दिख गया, ओके, देन हमें लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दिखा दिए, तो हमारा क्या हो गया, एस जो हुआ वो हमारा आइडियल हो गया, किसका, रिंग आर का आइडियल हो गया, समझ में आया किस तरीके से किए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में मतलब आया होगा, इसलिए मैं उम्मीद करते हैं कि आया होगा, ओके, क्योंकि हम बहुत बारीकी से बताए, छोटा 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 सारा पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू थ्योरम के साथ।